एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। चार दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद आज फिर से मंडे है, वर्किंग डे है और गोविंद जा रहा है अपने प्ले ग्राउंड स्कूल। ही सुपर डुपर एक्साइटेड। यस, मामा इज ऑल्सो गोइंग विद गोविंद। आज बहुत ही ब्यूटिफुल मॉर्निंग है, सनी है, इट्स कोल्ड, हवा चल रही है, बट जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन बड़ा अच्छा लगता है। बाद में गोविंद को थोड़ी देर टीवी टाइम दे देती हूँ, उसकी राइम्स लगा देती हूँ जो वो स्कूल में सुन के आता है। तो राइम्स देखते देखते अपना कुछ वो स्नैक्स खाता है। आज मैंने उसे बनाना दिया था तो बनाना उसने खा लिया। एक्चुअली स्कूल डेज में ना मैं मॉर्निंग में उसका ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट रखती हूँ, या तो थोड़ा सा दूध बिस्किट खिला देती हूँ या दूध रस एक खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर वो स्कूल में थोड़ा सा भी रोया तो वो वॉमिट कर देगा। इसीलिए वी गो लाइट ऑन ब्रेकफास्ट और आने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा कुछ अच्छा सा स्नैक कर दे देती हूँ, जिससे एकदम से उसका टमी फिल हो जाता है। और मॉर्निंग में अगर आप कहीं निकलते हो ना तो घर ऐसा लगता है कि आपको कहीं शिफ्ट करना है, पूरा फैला हुआ एकदम, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भूत की तरह फैला हुआ, वैसा घर होता है। तो स्कूल से लाने के बाद मैंने फटाफट से घर को थोड़ा सा टाइडी अप किया। लिविंग रूम में हम पूरा दिन स्पेंड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे तो वैक्यूम होना इन अ डे एक बार तो ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस वो सब किया, अब मैं किचन में चलूँगी। सुबह किचन क्लीन करके गई थी, बर्तन पड़े हुए हैं तो बर्तन करके और फिर कुछ लंच की प्रेपरेशन करती हूँ, देखती हूँ आज क्या बनाना है लंच में। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स गोविंद स्कूल से बनाकर लेकर आता है ना, वो मैं उसके रूम में इस तरीके से वॉल पे पिन कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका रूम उसके प्रोजेक्ट से डेकोरेट करना। कुछ तो प्रोजेक्ट्स अंशुल अपने ऑफिस भी ले गए, उन्होंने अपने क्यूबिकल में लगा रखे हैं गोविंद के प्रोजेक्ट्स। बहुत अच्छी फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए ना, बच्चे जब ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर आते हैं। तो आज इसने ये जिंजर ब्रेड बॉय बनाया है, कितना क्यूट सा लग रहा है। लंच में गोविंद के लिए मिक्स वेज पराठे बना रही हूँ। इसमें मैंने मेथी, गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक और कसूरी मेथी, अजवाइन सब कुछ ऐड कर दिया है और अब मैं इसका आटा बना लूँगी। ये गोविंद का अच्छा सा लंच प्लेट तैयार हो गया है, वेजिटेबल पराठा, क्यूकम्बर और दही। आई थिंक दुनिया की हर माँ की एक ही प्रॉब्लम है कि उसके बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, वेजीज नहीं खाते, एंड ट्रस्ट मी आई एम नो डिफरेंट। गोविंद भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ट्राई करती हूँ उसको ना खूब सारी वेजीज छुपा छुपा के खिला दूँ, लाइक बहुत सारी वेजीज के कॉम्बिनेशन के साथ मैं उसको ऑमलेट बना देती हूँ, चीला बना देती हूँ, या इस तरीके से आटे में मिक्स करके ना डो बना लेती हूँ और उसके लिए पराठा बना देती हूँ, हम लोग अपने लिए रोटी बना लेते हैं। अभी अभी मैंने इसकी रोटी और छोले खाए हैं, बहुत टेस्टी लगे थे। एंड आई एम श्योर आप सब भी ऐसा करते होंगे, ये कोई बहुत प्रो टिप नहीं है, बट यस, बच्चों को ऐसे छुपा छुपा के वेजीज खिलानी पड़ती हैं। अभी शाम का सिर्फ 5 बजे और बाहर कम्प्लीटली डार्क हो चुका है। ऐसे में ना ऐसा लगता है कि दिन कितना ज़्यादा छोटा हो गया है। तो मैं ना कैंडल वगैरह लगा लेती हूँ, घर में ना थोड़ा सा वार्म वाली फीलिंग आती है और अच्छा लगता है मुझे सेंटेड कैंडल्स लगा के ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू पूरे घर में फैलती है। अभी अंशुल ऑफिस से आया और मैंने कुछ सामान उनसे मंगाया था। एक्चुअली गोविंद को ना काफ़ी कफ हो रखा है, कल रात से उसको बहुत खांसी थी। तो कल रात में तो वॉलग्रीन्स हम गए 10:30, बट वॉलग्रीन्स 10 o'clock ही बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा था आज मंगा लूँगी। मैंने हाईलैंड्स का कफ सिरप, कोल्ड एंड कफ सिरप मंगाया है, ये 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज तक आप दे सकते हो। मैं ना जर्बीज यूज़ करती हूँ, जर्बीज मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था, ओवर द काउंटर ही अवेलेबल रहता है, बट इस बार मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि हाईलैंड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, तो मैंने गोविंद के लिए ये डे एंड नाइट वाला मंगाया है पैक।
और मुझे इंडियन स्टोर से थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, तो वो आया है मेरे लिए। एक ये कॉर्न का, स्वीट कॉर्न का पैकेट चाहिए था, ख़त्म हो गए थे मेरे कॉर्न, तो ये मंगाया मैंने। राजमा ख़त्म हो गए थे घर पे, तो राजमा मंगाया। उसके बाद और आए हैं एक पैकेट डेट्स का, एक डेट्स मंगाया मैंने। दूध में ना रात के टाइम डेट्स वगैरह बॉईल करके बहुत हेल्दी रहता है, आप पियो उस दूध को, डेट्स वाले, बहुत अच्छा रहता है। और विंटर्स में तो ना स्पेशली ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे आपको अंदर से गर्मी मिले। और अंशुल अपनी मर्ज़ी से लाए हैं एक समोसा, यहाँ पे इंडियन स्टोर्स में ना गर्मा गर्म आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे, समोसा जलेबी सब रहता है, तो एक समोसा वो लेकर आए हैं। और उसके साथ चटनी भी मिलती है, बहुत यम्मी चटनी होती है। और ये विक्स वेपरअप मैंने मंगाया है, ये इंडिया वाला विक्स वेपरअप, आपको याद है हम बचपन में लगाया करते थे, इसका एक इनहेलर भी आता था। मैं तो ना बचपन में बहुत खेलती थी उस इनहेलर के साथ, कुछ होता नहीं था मुझे, बस मैं इनहेलर लेके करती रहती थी। तो ये विक्स मंगाया मैंने क्योंकि उसको मैं गोविंद को लगाऊंगी चेस्ट वगैरह पे ना, अच्छा रहता है ये। तो ये थोड़ा बहुत सामान आया है, अभी मैं इसको अरेंज कर देती हूँ और पूछती हूँ अपनी फैमिली से कि आज डिनर में क्या खाना है। एक तो ये बड़ा भारी क्वेश्चन होता है कि डिनर में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, मतलब यही समझ नहीं आता कि बनाए तो बनाए क्या। क्योंकि अगर आप कितनी भी आप ऑन पेपर मील प्लानिंग कर लो कि हाँ ये फिक्स है ये फिक्स है, बट फिक्स चीज़ें हर ओवर द वीक कोई भी नहीं खाना चाहता, तो चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो लेट्स सी आज मैं क्या बनाती हूँ। गोविंद, गोविंद कफ सिरप लो, पिएगा दवाई, पिएगा लो, पिलाओ से गुड कर लो। ये लो भाई समोसा पार्टी, आ जाओ सब आ जाओ। मैंने ये वाले डेट्स मंगाए हैं, इसके अंदर ना सीड्स नहीं होते, एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सीडलेस होते हैं। और सिंपली जब आप अपना दूध गर्म करते हो ना, तो इस तरीके से दूध में ऐड कर दो और अब इस दूध को बॉयल होने दो, धीरे धीरे ये ना सॉफ्ट होता जाएगा और दूध में मिक्स हो जाएगा, तो फिर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आज मैं गोविंद को फर्स्ट टाइम पिला रही हूँ, तो बस एक ही डाल रही हूँ ट्रायल के लिए। गोविंद का गरम गरम दूध, आप कलर देखो इसका कितना अच्छा है। हाँ मैंने इसमें थोड़ी सी गुड़ भी ऐड कर दिया है, बिकॉज आज मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी, तो थोड़ा सा टेस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड कर दिया। तो डिनर का आज ये डिसाइड हुआ है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना अंशुल को फ्राइड राइस बना के दिए थे, तो वो काफ़ी सारा क्वांटिटी बचा कर ले आए ऑफिस से, शायद उन्हें कम भूख होगी तो उन्होंने पूरा फिनिश नहीं किया, तो वो है मेरे पास। और मिक्स वेज आटा जो मैंने दोपहर को बनाया था, गोविंद को पराठा बना के दिया था ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो मिला जुला के कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, उसी से रोटी और फ्राइड राइस हो जाएगा। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मैंने सोचा कि कुछ स्वीट रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि ना विंटर्स में इस टाइम पे कुछ खाने का मन करता है और स्वीट्स की तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्चुअली विंटर्स में ना थोड़ा सा ज़्यादा भी खाया जाता है, तो मैंने सोचा है कि कुछ हेल्दी स्वीट बनाते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने ये ओवरवाइज का दूध मंगाया था, तो चलो लगते हैं अपने मिशन पे, कुछ हेल्दी स्वीट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स, कैशियोज, पिस्ताचियोज एंड डेट्स। डेट्स इस रेसिपी को एक नेचुरल सा स्वीट फ्लेवर देगा, इसलिए मैंने अराउंड 10 डेट्स लिए हैं। और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में अपने सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल दूंगी, थोड़ा सा रफली मुझे इन्हें कट करना है, आप चाहें तो हाथ से भी कट कर सकते हैं, बट दिस इज़ द फास्टर मेथड। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप इस वाले मेथड को ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली आपकी बनाई हुई स्वीट खा लेंगे। और इसी तरीके से मैंने अपने डेट्स को भी थोड़ा सा अच्छे से चॉप कर लिया है इलेक्ट्रिक चॉपर में। तो देखिए ये मेरा ड्राई फ्रूट्स का क्रश्ड पाउडर है और ये यहाँ पे डेट्स भी मैंने रख लिए हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंने तो बहुत ही बेसिक ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप सनफ्लावर सीड्स या जो भी आपको पसंद है वो सब डाल सकते हैं इसमें। और अब मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, उसमें मैं अराउंड 1.5 लीटर होल मिल्क ऐड करूँगी और हाई फ्लेम पे इसे मैं बॉईल कर लूँगी। आप चलाते चलाते इसे बॉईल करिएगा, जिससे कि दूध नीचे लग के जले नहीं। और देखिए दूध बॉईल हो गया है, तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते थिक करूंगी। और 15 से 20 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे दूध अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार दूध थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ना,
फिर बहुत जल्दी थिक हो जाता है। तो देखिए ऑलरेडी दूध हाफ हो चुका है, तो अब इसमें मैं फ्लैक्सीड पाउडर ऐड करूँ। सिंस हम ये रेसिपी हेल्दी बना रहे हैं तो सब कुछ हेल्दी हेल्दी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने फ्लैक्सीड पाउडर ऐड किया है, आप सीड्स भी एज इट इज ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डेट्स भी ऐड कर दिए हैं। और अब इसे मैं थोड़ा सा चला लूँगी, थोड़ा सा जब ये और थिक हो जाएगा, देखिए और ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसे और ज़्यादा अच्छे से आप चलाते रहिएगा, अदरवाइज ये पैन में नीचे लग जाएगा और फिर आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो जब ये और ज़्यादा थिक होता जाता है ना, तब इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है तुरंत तुरंत जलने की, तो इसीलिए अब इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, चलाते रहिएगा कॉन्स्टेंटली। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं इस मिक्सचर का कलर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राउन सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग आटे वाले लड्डू जो पिन्नियाँ बनती हैं वो बना रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इसमें कोई भी घी नहीं है, कोई भी हम वाइट शुगर ऐड नहीं कर रहे, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और अब इसके अंदर मैं जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो मैंने अराउंड 7 टीस्पून ऐड किए हैं। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट जैगरी पाउडर से ये हेल्दी हो जाएगी, तो आप गिल्ट फ्री होके अपनी स्वीट इंजॉय कर सकते हैं। और जैगरी पाउडर ऐड करने के बाद आप देखिए कलर और भी ज़्यादा अच्छा सा ब्राउन हो गया है, बिल्कुल जो आटे वाले पिन्नी वाले लड्डू होते हैं ना वैसे लगेंगे ये। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और आप मीठा बाद में भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर विश, बट आई थिंक 1.5 लीटर दूध में 7 टीस्पून्स ऑफ जैगरी पाउडर एंड 10 डेट्स आर मोर देन इनफ। तो देखिए हमारा मिक्सचर और थोड़ा सा थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपना सारा ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और जब ये मिक्सचर पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा ना, जब ये पैन पे नहीं चिपकेगा, दैट इज़ द टाइम जब आपको इसे ऑफ द फ्लेम लेकर जाना है और ठंडे होने के लिए रखना है। अभी मैं और थोड़ा सा इसे चलाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये नीचे अभी थोड़ा सा चिपक रहा है। और इन अबाउट 5 मिनट्स मैंने इसे ऑफ द फ्लेम ले लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी लड्डू या बर्फी बनाने से पहले, क्योंकि अभी काफी ज्यादा गर्म है ये, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बाकी के प्रोसीजर्स हम करेंगे। This is excavator and this is mud and this is also mud. But can you get a good car? Delivery truck. And this is burning and this is train. Train church, can you get a good car? This is garbage truck and this is wheels. तो देखिए 10 से 15 मिनट बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब मैं इसे अच्छे से हाथ लगा पा रही हूँ। तो मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस करके और मैं इसके लड्डू बांध रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी प्लेट को ग्रीस करके इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, बट आई थिंक लड्डू खाने का ज़्यादा क्रेज होता है ना विंटर्स में, इसीलिए मैंने सोचा चलो छोटे छोटे लड्डू बांध लेते हैं। एंड आई एम श्योर मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही होंगी ये वीडियो देख के कि मेरी बेटी को लड्डू बनाने आ गए। पर ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी लड्डू बने थे। और गोविंद भी बीच में ही देखने आ गया कि मम्मी क्या कर रही है, उसको भी मैंने छोटा सा लड्डू बना कर दिया है। और ये देखिए हमारे डिलीशियस से लड्डू रेडी हो गए हैं, हमारे हेल्दी लड्डू जा रहे हैं एक्सपर्ट के पास टेस्ट होने के लिए। तो चलो लेकर चलते हैं। तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, इधर आओ। आप टेस्ट करके बताओ पहले। बहुत ही यम्मी है, एक्चुअली बहुत अच्छा बना है, अच्छा यम्मी। सच बोलना है? सच बोल रहा हूँ, अब बिना डर के बोल रहा हूँ, पहले डरता था, बिना डर के बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं बना, मैंने कुछ कह दिया तो कह दी थी अच्छा, एक तो बनाया ऊपर से तारीफ भी नहीं करते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बना है, काफी हेल्दी लग रहा है। और अच्छी बात तुमने मुझे अलाउ किया कि हेल्दी है, तो मैं इसको और भी खा सकता हूँ, मीठा मेरा शौक। तो एक्सपर्ट ने भी हमारे लड्डू पास कर दिए हैं। वैसे लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, मैंने भी ट्राई करके देख लिया है और मैंने पहले ही अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया था। तो अभी मैं इसे ना ग्लास कंटेनर में निकाल के रख लूंगी अच्छे से। गोविंद अभी खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो उसे मैं कल दूध के साथ दूंगी। एंड बहुत हेल्दी लड्डू है, अगर आप अपना वेट वॉच कर रहे हो ना, तब भी आप इस टाइप का हेल्दी लड्डू एक मॉर्निंग में खा लो, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आप मीठा खा रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपका वेट गेन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, आपने देखा ही है हमने इसे कैसे बनाया है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और अपने रिक्रिएशंस ना इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे साथ शेयर करना।
मेरे सारे घर के काम खत्म हो गए हैं, किचन वगैरह सब अब बंद हो गया है, कल अब सब खुलेगा वापस से मॉर्निंग में। और अब मैं अपना लैपटॉप लेके बैठी हूँ। एक्चुअली मैं ना ऑनलाइन केक्स देख रही थी दिल्ली में डिलीवरी के लिए, क्योंकि 4th December को मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी है और मैं हर साल ना उनको केक ज़रूर भिजवाती हूँ। यू नो ये जस्ट छोटा सा एक टोकन होता है प्यार का, जो बच्चों की तरफ से मम्मी पापा को मिल जाता है। वो तो सालों साल हमें पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, बट यहाँ रह के कुछ भी देना उनको पॉसिबल नहीं होता। कोई भी गिफ्ट वगैरह तो मैं नहीं भिजवा पाती, बट केक एक ऐसी चीज़ है जो डिलीवर हो जाता है, तो मैं दिल्ली की किसी बेकरी से ऑर्डर करके उनको सेंड कर दूंगी। और फिर वो लोग रात में जब केक कटिंग करते हैं ना तो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा सा सेलिब्रेशन एनिवर्सरी पे हो जाता है। और दिसंबर तो बहुत इवेंटफुल मंथ होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि 4th December को मम्मा पापा की एनिवर्सरी आएगी, और आपको पता है मेरी जॉब भी ना 4th December को ही लगी थी। उसके बाद 9th December को मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी आएगी, फिर 14th December को हमारी आएगी, 24th December को अंशिल का बर्थडे आएगा। तो पूरा दिसंबर ना हमारे बहुत इवेंट्स रहते हैं। तो बस अभी मैं केक वगैरह ऑर्डर करूँगी और उसके बाद अंदर जाके गोविंद को दवाई वगैरह दूंगी, क्योंकि उसको अभी भी काफ़ी कफ है। अभी मैं खाना खिला रही थी तभी वो बार बार कफ कर रहा था, और लेटते में ना बच्चे ज़्यादा कफ करते हैं, तो बस दवाई वगैरह दे के उसको रेडी करूँगी, सुलाऊंगी, क्योंकि कल अगेन ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, जल्दी उठना होगा। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ, और कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी ईजी लगी, कैसी लगी। अगर आप रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं अपने मम्मा पापा की एनिवर्सरी फोटो ज़रूर वहाँ पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और विद दिस bye-bye, take care, and lots of love, lots of blessings to you all. Thank you so much for watching. Bye.